आप टेंशन फ्री रहिए। एंड थर्ड क्वेश्चन है पीके कोई करके है उनका, वीकली टेस्ट के ऊपर इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए था। एंड जो भी टॉपिक है, मतलब किस टॉपिक पे ये वीकली टेस्ट कराते हैं, सो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पे स्क्रीन पर ही ले जाके दिखा दूँगी। सो मैं वो वीडियो ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई है और भी कोई क्वेश्चन एंड क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, आप तक इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी अगर आपकी कोई क्वेश्चन एंड क्वेरीज हैं तो। सो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि जो हमारा एप्लीकेशन है पेड, जहाँ पे करके ऐप हमने डाउनलोड किया है स्टडी के लिए, वहाँ पे ये सारी चीज़ें, मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड, स्क्रीन शॉट वगैरह अलाउड नहीं है। सो मैं यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू लेके आई हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं, ये मुझसे आई थिंक संकल्प बैच का पूछी थी प्रतीक्षा ने। सो देखते हैं कहाँ। चलिए देखते हैं क्या संकल्प बैच का क्या आता है। ये देखिए आ रहा है यहाँ पे फ्री ये संकल्प, आई थिंक फ्री बैच है क्या, मुझे इसके बारे में आइडियाज नहीं था। नहीं, यहाँ पे ये देखिए दिया हुआ है संकल्प यूपीएससी 2024 वाले के लिए है ये। सो यहाँ पे भी वही है, आप बाय नाउ करेंगे 50% ऑफ दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 50% ऑफ दिखा रहा है, जबकि ये वरना 19,999 का है। और वैसे अगर आप अभी परचेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 50% ऑफ। बाकी वही है, बाय नाउ करेंगे तो देख सकते हैं आप, यही सब आने वाला है। और इसका प्राइस आपको यहाँ पे, इसका प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है और 50% ऑफ का आपको दिखाई दी मैं, सो हो ही रहा है गाइस। अगर आप यहाँ पे ये देखिए कूपन कोड अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है, सो अगर कोई भी फर्स्ट टाइम आप परचेस कर रहे हैं इसको, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक और रिफरल कोड है जो मेरा, अगर आप उसको यूज़ करते हैं, अगर आप उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं तो आपको 250 ऑफ मिल जाएगा। तो आप अप्लाई करके अपना 250 ऑफ करवा सकते हैं। गाइस ओवरऑल संकल्प बैच के लिए यही है प्रतीक्षा आपकी क्वेरी थी, सो ओवरऑल इतना ही दिखा रहा है, बाकी कुछ है नहीं। अगर वैसे इसका भी बैच जो वही रहने वाला होगा ना जो हमारा है प्रहार बैच का, सो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो लोग भी कोई भी जो भी संकल्प बैच ज्वाइन किए हैं या फिर करने वाले हैं, सो आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी नहीं होगा ये, क्योंकि मैं भी ज्वाइन की हूँ। सो मेरा तो प्रहार बैच है, मैं भी पढ़ रही हूँ, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। देखिए ये देखिए आज हमारा ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 4th लेक्चर था, सो काफ़ी अच्छा था सर, काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। यहाँ पे लोड हो रहा है अभी, सो इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी ये लोग अपलोड कर देते हैं।
रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड रहता है, तो अगर लेक्चर्स आपके छूट जाते हैं तो आप बाद में भी देख सकते हैं, एनी टाइम देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का यही तो बेनिफिट होता है ना कि कभी भी देख लें हम, रात हो दिन हो कभी भी, इसका एक वो नहीं रहता है, मतलब फिक्स टाइम रहेगा लाइव लेक्चर्स देखने का, उसके बाद भी हम कभी भी देख सकते हैं, सोते जागते बैठते कैसे भी देख सकते हैं। यही बात अच्छी है इसकी। अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, नेटवर्क इशू आई थिंक। तो चलिए बैग जाते हैं। वैसे भी आपको क्या करना है इससे, ऐसे में फिर भी क्वेरी के लिए रहता है ना, आवाज़ आती हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि इसमें क्या चल रहा है, मतलब कैसा है ये बैच, इसके बारे में नॉलेज चाहिए था, इन्फॉर्मेशन चाहिए था। पीके करके हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि इस पे वीकली टेस्ट वगैरह का क्या है। तो देखिए आपको मैं दिखा दे रही हूँ टेस्ट, अभी तक कोई वीकली टेस्ट नहीं आया है, पर डेली बेसिस पे टेस्ट वो क्विज़ देते हैं सर, सो उससे हमारा होते रहता है। और अभी यहाँ पे लेक्चर्स की बात करें तो लेक्चर्स ज़्यादा स्टार्ट नहीं, दो सब्जेक्ट्स के लेक्चर स्टार्ट हुए हैं, सो अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है बाकी के लेक्चर्स का। यहाँ पे ना हमारा इंडियन पॉलिटी एंड ये हमारा साइंस का लेक्चर स्टार्ट हुआ है ना, तो वही दोनों बस शो होता है, सो उसका मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है ना, ये स्टार्ट क्लास वही वैसे ही आने वाला है, स्टार्ट नहीं हो रहा है पता नहीं क्यों। देख लीजिए, कंटेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इन लोगों की, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मुझे लग रहा है, बाकियों का मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड काफ़ी अच्छे से समझाते भी हैं, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में है तो बहुत लैंग्वेज में ये लोग पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। बाकी जो बोलते हैं नहीं समझ आता, और लोग टाइम पास करने आते हैं, चैट बॉक्स में टाइम पास करते हैं, सो उन्हें कहाँ से समझ आएगा, अगर आप फोकस करोगे तो ही तो समझ आएगा। चलिए बैग जाते हैं, लेक्चर्स का आपको दिखा उसके बाद से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अटैचमेंट्स में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हमको, मैं ऐप में एक्चुअली डाउनलोड कर ली हूँ, यहाँ पे नहीं थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये DPP है, 4 प्रहार बैच का है, और इसका देखिए ये क्विज भी देता है। क्वेरी थी ना कि टेस्ट डेली बेसिस पे क्या है इसका, मतलब वीकली टेस्ट के बारे में आप पूछ रहे थे, तो ये वीकली का तो अभी तक नहीं लगा क्योंकि 1 वीक नहीं हुआ है ना, तो अभी ये मतलब डेली बेसिस का है ये। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5 questions हैं ओवरऑल, ये डेली बेसिस का है, वीकली नहीं आया है अभी, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप वैसे आप करके आप कर सकते हैं, मैं ऐप पे अटेम्प्ट की हूँ, यहाँ पे नहीं अटेम्प्ट की थी, सो इसके लिए नहीं लिखा रहा होगा। और यहाँ पे देखिए ऐसे दिया, विजिट प्रीवियस क्वेश्चंस, बुक मार्क क्वेश्चन, ऐड नोट, सबमिट समरी, री अटेम्प्ट, लीव रिपोर्ट क्वेश्चन, आपको सब कुछ दिख रहा है, लोग यहाँ पे सब देख सकते हैं। मैं चलती हूँ बैक, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सबमिट क्विज का, डू यू वांट टू सबमिट द क्वेश्चन बैंक, यस, सो यहाँ पे सबमिट हो गया। देखिए मेरा, मैंने अभी यहाँ पे कुछ अटेम्प्ट नहीं किया ना, तो यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है। बाकी चलते हैं बैक, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये हो गया, क्योंकि अभी 2 ही लेक्चर स्टार्ट हुआ है ना, तो बाकी का दिख नहीं रहा है, शो नहीं हो रहा है। एंड आपको मैं दिखा देती हूँ पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का, यहाँ से मैं करती नहीं हूँ ना विजिट, तो उतना ज़्यादा मतलब थोड़ा टाइम लग जा रहा है मुझे। ये देखिए इंडियन पॉलिटी वीकली शेड्यूल लगा हुआ है यहाँ पे, यस यू कैन सी योर, ये देखिए पॉलिटी का जो लेक्चर्स है अभी यहाँ पे शेड्यूल हुआ है, तो ये अभी शो नहीं होगा, मैं ओपन करके फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए वीडियो नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये जो है पॉलिटी
का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये फोर्थ लेक्चर है हमारा, आज का शेड्यूल होने वाला है। मे भी देखिए 8 PM का दिखा रहा है ना, सो इसका अटैचमेंट पहले से मतलब दे दिया हुआ है सर ने, लेक्चर्स नोट्स। चलिए मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ, पता नहीं यहाँ पे ओपन हाँ हो तो गया। सो ये देखिए इनकी जो है ना PDF क्वालिटीज बहुत ही अच्छी है, मुझे कलरफुल देख के ना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा रहता है। ये देख सकते हैं आप इनका, ये जो भी है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड किंगडम, USA, कनाडा, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, मतलब ये सारे टॉपिक्स आज के क्लास में कवर कराएंगे सर। मतलब ये है ना हमारा 2023 का बैच है, सो कैसा होता है ना टाइम बहुत कम है बोल के ये लोग जल्दी जल्दी भी बहुत फास्ट फास्ट करा सकते थे, पर ये लोग वैसा नहीं कर रहे हैं, आराम आराम से चल रहे हैं, देखते हैं कंप्लीट हो जाता है कि नहीं। वैसे बोले तो हैं एग्ज़ाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, तो देखते हैं। वैसे कोई भी बहुत ज़्यादा ऐसे घाई नहीं मचा रहे, जल्दी नहीं करते हैं, आराम आराम से चीज़ें चल रही हैं और काफ़ी अच्छी चल रही हैं। और कल कैसा हुआ था ना पॉलिटी के लेक्चर में कि काफ़ी टाइम से वो होते ना कुछ बच्चे फालतू में आ जाते हैं ऐसे ही, तो उनको चैट करने से फुर्सत नहीं होता है, तो चैट कर रहे थे वो लोग, बहुत ही ज़्यादा चैट कर रहे थे। तो सर उसमें डाउट्स वगैरह जो बच्चे डाउट्स अपना पूछ रहे थे वो सब नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि चैट इतना ज़्यादा हो रहा था, चैट बॉक्स फुल हो जा रहा था, तो सर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। फिर उसके बाद सर ने बीच में ही, अभी 1 hour ही क्लास हुआ था लेक्चर्स, सर ने लेक्चर्स क्लोज कर दिया। कल का हाफ लेक्चर ही हुआ, कल का कंप्लीट लेक्चर हुआ नहीं, तो देखते हैं आज क्या रहता है, सर आते हैं या फिर कोई और फैकल्टी उनकी जगह पर रिप्लेस होते हैं, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। आज का लेक्चर देखती हूँ कैसा है, जैसा भी रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। पे आप देख सकते हैं ये डेली बेसिस पे ना, यहाँ पे मेंस क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से भी सर देते रहते हैं क्वेश्चंस, आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए मैं ओपन करके इसको भी दिखा देती हूँ। ये देखिए क्वेश्चन से डेली बेसिस पे, मतलब जो टॉपिक जिस दिन कवर होता है मेंस पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे एक क्वेश्चंस डेली लेक्चर्स में हमें मिलते हैं करने के लिए, उसको वो ऑलरेडी सॉल्व होता है, फिर भी प्रैक्टिस के लिए दे दिया जाता है हमें, देख सकते हैं आप यहाँ पे। सो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, डेली एक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होता रहता है, तो आप सोच सकते हैं जब भी क्वेश्चन मेंस के टाइम तक हम कितने सारे प्रैक्टिसेस हमारी ऐसे ही हो जानी है। ये बैच की मुझे ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी यही है, यही सब है। और वीकली टेस्ट का मैंने आपको बता दिया कि वीकली टेस्ट का भी शेड्यूल नहीं हुआ है, क्योंकि 1 week नहीं हुआ है ना, तो मे भी कंप्लीट हो वीक तो उसका टेस्ट सीरीज़ लगाएं, क्योंकि ऑप्शन में तो दिया है टेस्ट सीरीज़ का, बट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि 1 week हुए ही नहीं है ना। बाकी डेली बेसिस पे ये क्वेश्चन क्विज आते रहते हैं, रोज 5-6 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं, मैंने आपको जैसे कि शो किया आप देख सकते हैं। तो चलिए बैग जाते हैं। बाकी अभी कोई भी लेक्चर्स वैसे हुए नहीं हैं, 2 ही लेक्चर्स स्टार्ट हुए हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, 2 ही लेक्चर्स अभी हो रहे हैं। सो जैसे ही आगे के भी लेक्चर्स होंगे मैं रिव्यू दे दूँगी उसका भी, अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दिखा दूँगी वो भी, जो भी रहेगा। बैग जाते हैं, देखते हैं अभी। चलिए फिर भी मैं आपको और भी सारी चीज़ें हैं जो देखिए नोटिस में क्या है, अभी कुछ शेड्यूल नहीं हुआ ना तो नहीं लगाया। एंड गाइस प्लीज़ आई रियली वेरी सॉरी, बैकग्राउंड में जो नॉइस हो रहा है ना उसके लिए आई रियली वेरी सॉरी, क्योंकि हम लोग थोड़ा जहाँ रहते हैं ना स्लम एरिया है, सो ऐसे होते रहता है, इसलिए मुझे वीडियोस बनाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, मैं वॉइस ओवर करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि अभी हो रहा है बैकग्राउंड से काफ़ी नॉइस आ रही है। एंड आप चलिए मैं ऑन करके दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी देखिए लगा रहता है क्लास अभी चालू नहीं हुआ है, तो बस 2 ही लेक्चर्स हुए हैं, सो
एंड बात करें यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास की, तो यहाँ पे आई थिंक नहीं दिया हुआ है। ऐप पे सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं, यहाँ पे नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, पर यहाँ पे नहीं है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे अनाउंसमेंट में जो भी क्लास लगने वाला रहता है ना, वो पहले ही यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाता है, देख सकते हैं आप। मंडे पहले का ये भी लगा है, यहाँ पे भी डियर पहाड़, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मॉर्निंग वाले बैच का पहले ही लगा दिए थे लोग। एंड अभी पॉलिटी का भी आ जाएगा 1-2 आवर्स में, क्योंकि अभी टाइम है। एंड वहाँ पे शेड्यूल हो गया है, पर अनाउंसमेंट तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, वो मे बी 1-2 आवर्स में आ जाए। एंड यहाँ पे सोनाली सिंधे का ये क्वेरी था फैकल्टीज को लेके, तो मैंने पहले भी एक वीडियो रिव्यू किया है सर लोगों का, मतलब सारे फैकल्टीज़ का, बट वो लेक्चर से पहले था। और अभी लेक्चर्स के बाद की बात करूँ तो उनको जानना था, मतलब फैकल्टीज़ की क्वालिटी एंड उनकी जो भी एक्सपीरियंस वगैरह हैं। सो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें, आप प्लीज़ एक बार वो वीडियोज़ देख लीजिएगा, सारे सर का, मतलब जितने भी सर हैं उनका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे देखिए। अभी वैसे मैम लोग सभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए ना, तो इन लोग के बारे में मैं अभी बता नहीं सकती कि इनका मतलब टीचिंग स्टाइल क्या है क्या नहीं है। बाकी जो दो सर पढ़ा रहे हैं ना, ये देखिए कपिल सिक्का सर, ये हमको पॉलिटी पढ़ाते हैं। सो इनका एक्सपीरियंस वगैरह आपको देखना है तो देख लीजिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने सबका ऐसे किया हुआ है, रिव्यू करी हूँ मैं, तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए। एंड यहाँ पे अभी ये सारे फैकल्टीज़ हैं ना, ये हमें, मुझे मतलब इनका एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सारे लेक्चर्स में बार बार बोल रही हूँ कि स्टार्ट नहीं हुआ है, सो इनका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। दो लेक्चर से स्टार्ट हुए हैं, मैं दोनों के बारे में मैंने बता दिया। गाइस वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, अगर आपके और भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं और भी वीडियोस बना दूंगी। आपको किस टॉपिक पे चाहिए, सॉरी ये यूपीएससी वाला बैच को लेके, उससे रिलेटेड कोई भी वीडियोज चाहिए प्लीज़ आप कॉमेंट करिएगा, मैं वीडियो बना दूँगी। तो चलिए मैं इसको बैक करती हूँ, अभी इसको क्लोज करती हूँ, क्योंकि आपकी जितनी क्वेरी थी आई थिंक सॉल्व हो चुकी है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इसको तो कर लीजिए, ट्रस्ट मी ये बिल्कुल ही मतलब ऐसे नहीं है कि इससे आपको रिग्रेट करना पड़ेगा, यूज़फुल है, काफ़ी यूज़फुल है। इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, सब कुछ तो है, PDF भी इतना अच्छा क्वालिटी में मिल रहा है, लेक्चर्स भी हैं, 2 आवर्स के 1 लेक्चर्स हैं, एंड प्राइस भी इतना कम है, तो आप क्या चाहिए। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, ये आपको एक ये देख सकते हैं, ये बुनियाद बैच का, आप यहाँ पे इसका कोई भी चार्ज नहीं है। एंड ये बायलिंगुअल लैंग्वेज में है, और मैं इससे भी करती हूँ, ये NCERT बेस्ड है, तो इसके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जा रहा है वीडियो। आई रियली वेरी सॉरी, इतना ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया है। ये सॉरी, ये देखिए फ्री वाला बता रहा है ना, ये बुनियाद बैच का है, NCERT बेसिक्स फॉर ऑल सिविल सर्विस एग्ज़ाम। ये कम्प्लीटली, ये देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये फ्री में है, फ्री है। तो आप इसको ना ऐप पे भी फ्री में है, एंड इसका जो UPSC वाला YouTube पे चैनल है वहाँ पे भी कम्प्लीटली फ्री है, तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी अगर इस बैच को भी लेके आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूँगी, प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। तो चलिए जाते हैं बैक, और कुछ है नहीं, बाकी वीडियोस तो काफ़ी लंबे हो ही जा रहे हैं, सो उसके लिए आई रियली वेरी सॉरी। ये देखिए मेरा यहाँ पे लाइव लेक्चर शो होने लगा, बट ये 8 PM का है, 8-10 का रहता है सर का, देखते हैं। आज सर तो कल काफ़ी गुस्से में चले गए थे, बट आप आज देखते हैं वही सर आते हैं, हमारे कपिल सर ही आते हैं, या फिर उनके जगह पे कोई रिप्लेस होता है, क्योंकि कल काफ़ी गुस्से में गए थे सर, काफ़ी लोग सब ने फिर से बहुत ज़्यादा सॉरी बोला, पर सर ने क्लास फिर से रिस्टार्ट नहीं किया, क्योंकि कुछ लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा वाहियात कमेंट कर देते हैं तो मूड ऑफ हो जाता है।
सो यहाँ पे देखिए आप डाउट्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप जो भी डाउट्स क्लास में पूछेंगे वो यहाँ पे शो होगा। एंड मैंने अभी मुझे कुछ डाउट नहीं था तो मैंने अभी तक पूछा नहीं था, बट इन फ्यूचर रिसेंट लर्निंग में आप देख सकते हैं मेरा ये सब कुछ शो हो रहा है। ये बुनियाद बैच का मैं करी थी, बाकी ये करना है मुझे। प्रैक्टिसेस में मैंने रीअटेम्प्ट रिज्यूम छोड़िए, ये सब तो वैसे शो। ओवरऑल यही था गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, जो भी इस बैच को ज्वाइन करने वाले हैं उनको प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए एंड उन्हें गाइड कीजिए कि अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ये बैच को तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी फैकल्टीज़ के साथ इतनी क्वालिटी कॉन्टेंट तो नहीं मिलेंगे कहीं भी, आई थिंक नहीं मिलेंगे। बाकी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मैं ज्वाइन करी, रिव्यू भी करी, पॉजिटिव रिव्यू कर रही। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बार बार बोल रही हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड ट्रस्ट में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं सोची कि आप सभी के साथ भी मैं शेयर करूँ, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हैं तो आपको कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। सो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको चाहिए लिंक, रिफरल कोड वगैरह, तो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से करेंगे तो आपको 250 ऑफ मिल जाएगा। बाकी यही है। सो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी, सपोर्ट कीजिए मुझे, क्योंकि मेरे चैनल्स पे व्यूज़ लॉन्ग वीडियोस पे काफ़ी कम आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं। एंड अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, वॉच टाइम कंप्लीट होना है, अगर वो हो जाए तो फिर मोनेटाइज हो जाता। बाकी शॉर्ट्स पे तो ठीक ठाक व्यूज़ आ जा रहे हैं, बट लॉन्ग वीडियोस जो रह रहे हैं ना उस पर पता नहीं क्यों रीच नहीं है, नहीं देखते हैं। इसके लिए लॉन्ग वीडियो बनाने का मतलब उतना मैं होता भी नहीं है, सोचती हूँ क्या फ़ायदा बनाने का जब मतलब उस पर कुछ है ही नहीं, तो थोड़ा डीमोटिवेट रहती हूँ एंड टाइम का भी मुझे इशू रहता है। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके यहाँ तक अगर आप बने हैं तो थैंक यू सो मच।